हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइज, ये जो वीडियो है ये मैं अपने पिछले वीडियो से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग डांडिया में जाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कर रही हूँ मिष्टी का मेकअप। तो सबसे पहले उसके मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, बेबी क्रीमी लगाई थी, फिर उसके बाद ये बीबी क्रीम जो होती है ना, हल्की सी वो लगा रही हूँ। और मिष्टी को बड़ा ही शौक है मेकअप करने का, और फाइनली आज जो उसकी गुजराती ड्रेस आई है ना, वो उसने पहन ली है, तो वो पहन करके बड़ा खुश है आज। तो मिष्टी को मैंने पूरा बिल्कुल रेडी कर दिया है, और इसकी जो ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों का भी मिष्टी को बड़ा ही शौक है, तो उसने जितनी भी सारी थी ना, उसकी सारी ही मिला करके मिक्स एंड मैच कर करके सारी चूड़ियाँ ही पहन ली है, तो उसको भरे भरे हाथ बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो फाइनली हमारी मिष्टी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मेरा तैयार होना बाकी है, और भृगु को भी अभी तैयार करना है। तो सबसे पहले मिष्टी को रेडी कर दिया है, तो सारा मेकअप का सामान बस यहीं पर रख लिया है, और आज मिष्टी के जो बाल है वो खोल के ही रखे हैं, तो बस हल्का सा उसकी थोड़ी सी छोटी मोटी सी हेयर स्टाइल बना दी थी। तो ये देखिए फाइनल लुक। तो यहाँ पर मिष्टी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैं उसको बोल रही थी भाई दो चार थोड़ी डांडिया की स्टेप तो करके बता दे, तो वो बता रही है, और उसने यहाँ पर कमर बंद भी लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, बच्चे हो गए हैं तैयार, तो आज डांडिया में जा रहे हैं फाइनली। तो लहंगा पहन लिया है, हाँ पहनाएंगे। तो आज ये जो मेहरून कलर का लहंगा है, मैंने पहले भी दिखाया है आपको, दीदी ने सिला था, और इयर रिंग्स ही बड़े पहने हैं बस, बाकी ज़्यादा मुझे चमचम अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। देखिए भाई हमारा भृगु राजा तैयार हो गया है। भृगु हाय तो कर दो, और आपकी ड्रेस दिखा दो, ऐसे दिखाएगा कि ड्रेस और ये मेरे को इसके अंदर इसको टी शर्ट पहनानी पड़ी वाइट कलर की, और दूसरी कोई मैचिंग की थी ही नहीं। तो है पर्पल कलर की। हाँ कौन से कलर की है? पर्पल कलर की होगी, वाइट कलर की। हाँ वाइट कलर की है। और ये हमारी मिष्टी, मिष्टी दिखाओ बेटा। हाँ हाँ, तो मिष्टी भी देखिए भाई, मिष्टी ने बड़ी सी ब्लू कलर की जो है हमारी बिंदी लगाई है आज क्या लग गया? आपने तो पिंक कलर की। चलो भाई दोनों तैयार, कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। तो अभी जस्ट चुप हो जा भृगु। तो अभी जस्ट फोन कर दिया है जिया जी को, जिया जी आ रहे लेने। हम लोग जाएंगे रिंकू दीदी के, उसके बाद वहां से जाएंगे हम जहां पर हमको डांडिया करने जाना है। तो आज फाइनली हम लोग जा ही रहे हैं गरबा करने के लिए, और आप लोग वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, मैं आपको जरूर दिखाती रहूंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस तरह का जो है गरबा हो रहा है। और मिष्टी ने अभी माता रानी की आरती शाम के टाइम में जो होती है वो मिष्टी ने करी है अभी, तो वो कर दी है, बस अब लॉक वगैरह लगा देते हैं, पर्स जो लेना है वो ले लेते हैं, और डांडिया स्टिक मैंने देखिए ऐसे इसके अंदर रख दिए हैं पर्स के अंदर ये, तो बस अब चलते हैं। तो आ गई हूँ रिंकू दीदी के, और रिंकू दीदी हो रही है यहाँ पर तैयार अभी। ये देखिए भाई तैयार हो गए हैं डांडिये वाले। तो यहाँ पर आ गई है शालू दीदी, और ये है शालू दीदी की बेटी छोटी वाली दीपांशी। इसको शर्म आ गई मेरे को देख करके, क्योंकि मैं इसका वीडियो लेने लग गई। यहाँ पर बैठे हैं अनु भैया, तो सभी लोग हम लोग जा रहे हैं गरबे में। और ये देखिए हमारा हीरो जो बिल्कुल गेटअप में है, और जिया जी तैयार हो चुके हैं, तो जिया जी हैं। इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर वाले रूम में कि भाई अंदर कौन कौन है। तो अंदर तो वैसे रिंकू दीदी थे, और ये जो
और ये है रिंकू दीदी की पड़ोसी, ये भी जा रही है। ये डांडिया खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये आ गए हैं। नवरात्रों का बहुत 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 वेट करती हूँ, वेट करती हूँ कब नवरात्रा आए और मैं डांडिया खेलूँ जा खेलूँ। मुझे एंजॉय करना बहुत ही पसंद, मतलब पूरा साल भर वेट रहता है। साल भर मैं वेट करती हूँ। चलो ये देखिए भाई, हाँ ये हमारी रिंकू दीदी तैयार हो चुकी है। मुझे तैयार होने में बहुत जोर है। पूरा कितना तो तैयार हो गए, इतनी देर हो गई कि तैयार होते होते। ये हमारी मिष्टू जो वेट कर रही है कि कब जाए डांडिया खेलने, है ना। डांडिया सही कर रही है हमारी, डांडिया खुल गया था उसको सही कर रही है। तो हम लोग आ गए हैं डांडिया में। ये है शहनाई मैरिज गार्डन जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर तो है ही सही, पर ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो सब साथ में ही आ गए थे हम लोग, पर मिष्टी के पापा नहीं आए हैं क्योंकि उनका है ऑफिस का टाइम। तो सब लोग बस अंदर एंट्री कर रहे हैं, मतलब ऑफिस जाते ना ये तो इस चक्कर में ही है तो नहीं आ पाए थे, पर मैं आ गई थी। उन्होंने बोला था तू चली जाना रिंकू दीदी के साथ में, इसीलिए मैं रिंकू दीदी के यहाँ पर आ गई। और रिंकू दीदी ने मुझे पहले ही फ़ोन कर दिया था कि भई आज यहाँ पर गरबा है तो बता देना, तो फिर इसलिए फिर मैंने अपना पास जीजा जी को बोल करके अरेंज करवा लिया था। यहाँ पर पासेस का सिस्टम था तो पास मैंने अरेंज करवा लिया था। और ये देखिए पूरा जो लुक है डांडिये का, जो अरेंजमेंट करा गया है ना उसका मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और भृगु तो अभी थोड़ा खुश था, पर मिष्टी बड़ी एक्साइटेड है अब डांडिया करने के लिए। और ये है माता रानी, तो यहाँ पर ये इस तरह से बड़ी सी तस्वीर प्यारी सी माता रानी की लगी हुई है। और वैसे भी डांडिया करने जाते हैं तो माता जी की फ़ोटो होना तो ज़रूरी है ही सही। और यह सर्व ब्राह्मण समाज का ही ये गरबा हो रहा था ना, तो ये परशुराम भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई है। और ये देखिए पूरे सब लोग, कितने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं डांडिया करने के लिए। तो बस अब हम सोच रहे हैं कि जल्दी से बस अब हम लोग भी जाएं और डांडिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले डांडिया करने से पहले ना आ गए थे शोभा मौसी और ताऊ जी, तो इन लोगों से भी मैं आप लोगों को मिला देती हूँ क्योंकि इस बार ये यहाँ पर ऐसा मौका पड़ गया आने का, तो डांडिया में भी आ गए। और अब बस मिष्टी के साथ सबसे पहले डांडिया हो जाए। तो बस अब हम लोग सबसे पहले मजा मस्ती से करेंगे यहाँ पर गरबा। तो यहाँ पर देखिए भाई सब रंग बिरंगी कलर में दिख रहे हैं आपको। और गुजराती जो ड्रेसें होती हैं ना गरबा की, ये इसकी अलग ही बात हो जाती है, अलग ही लुक आ जाता है पूरा। तो ऐसी जो गरबे की जो ड्रेसेस है ना, ये मेरे पीछे देखिए आप,
बहुत सारी लेडीज़ों ने इस तरह की ड्रेसें पहन रखी थी, तो बड़ी ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे प्राइस वगैरह भी मिलेंगे अभी, तो यहाँ पर देखिए ये लोग सब अब प्राइस जो भी हाँ जिसने अच्छा ड्रेस वगैरह पहन रखा है उस सभी को ये प्राइस वगैरह दे रहे हैं। पर अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इतने में ही टाइम ना 10 बज चुके थे और जियाजी ने बोला अब अपन चलते हैं, तो मुझे भी लगा कि सही बात है, ज़्यादा तो रात ज़्यादा करने से बेटर है कि सही टाइम पर घर पे चला जाए। और यहाँ पर जो है खाने पीने का अरेंजमेंट भी था, पर वहाँ स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई। और ये देखिए सुंदर से राधा कृष्ण, ये स्टार्टिंग में जब एंट्री करते ना तभी थी इनकी फ़ोटो, पर मैं उस टाइम पर भी वीडियो नहीं ले पाई थी। हम लोग डायरेक्ट ही एंट्री हमने कर ली थी अंदर की साइड में, और पासेस वगैरह यहीं पर हमने जमा करवा दिए थे। और अभी हम लोग सब जा रहे हैं घर पर, तो सभी से मैं बोल रही थी भाई सब लोग बाय कर दो, तो सब मेरे कैमरा की तरफ देख के बाय कर रहे हैं। और सब ना गाड़ी से आए थे मोस्टली, तो जिया जी अपनी गाड़ी से आए थे, ताऊ जी गाड़ी से आए थे, तो मैं ताऊ जी की गाड़ी में ही घर पर जाऊंगी। ताऊ जी और जो मौसी हैं शोभा मौसी, ये मुझे छोड़ देंगी। मैं शोभा मौसी को मौसी बुलाती हूँ, उनको ताऊ जी बुलाती हूँ, ये शुरू से ही है बुलाती हूँ, जब से शादी होके आई है ना मैं जब से ही मैं ऐसे ही बुलाती हूँ। तो बस अब पास में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो बस ताऊ जी मुझे घर पर छोड़ देंगे। तो आज इसी तरह से हम लोगों ने एंजॉय करा। इसी के साथ इस वीडियो का करती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।